नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मॉडल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के जो सम 11 तक 10th तक हमने प्रोसीड कर लिया, आज हमें 11th सम से आगे प्रोसीड करनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिस मैट्रिक ट्रांजिटिव का जो आगे का जो पोर्शन क्लियर करना है वो करेंगे, यानी कि अब जिसको ये सम आ गए उसका ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कहूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 11th सम की ओर। तो दोस्तों, अब हम 11th सम में जो हमारे को रिलेशन गिवन है वो देखिएगा। रिलेशन आपको ये देखिए, जो P और Q आपके पास को दो पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, यहाँ पे P पॉइंट है फ्रॉम द ओरिजिन, इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब आपके पास कोई एक ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है O, सॉरी P, ये P है आपके पास, दूसरा आपके पास Q, और जो आपको क्या कहता है, जो ये ओरिजिन O है, मान लेते ओरिजिन O है, यहां से ये डिस्टेंस OP और ये ओ क्यू दोनों क्या है सेम, यानी कि OP इक्वल्स टू ओ क्यू, ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखूं, कोऑर्डिनेट के टर्म में मतलब मान ले तो इसका कोऑर्डिनेट रेशियो है x1y1 है, इसका x2y2 है। अब देखिएगा, आपको कह दूं मैं OP फाइंड आउट कीजिए, तो आप OP को कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखिएगा। तो यहां पे आपको O और P लेना है, O और P को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो तो वो देखिएगा। OP ये चीज, अब आपको मैं कह दूं ये इंटरलिंक है एक दूसरे से, अब OP और O क्या निकालना है, तो इसको लिखेंगे x1 की स्क्वायर प्लस y1 की स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, और आगे जो आगे क्लासेस है यानी कि 11th में पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ रहे हो। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको काम आने वाली है। और आपको एक ए सेट दे रखा है, ए सेट क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूं मैथ में देख के। ए दे रखा है सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, ए इज सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, प्लेन में पॉइंट्स है, क्लियर, कोई प्लेन्स में एक सेट है जिसमें बहुत सारे पॉइंट है, ये आपको दे रखा है। और क्या कह रहा है, आर है ना, वी यूज करेगा ए से फॉर आर वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिख लो, चाहे पी और क्यू लिख लो, ठीक है। ये बात ध्यान से समझ में, अगर आपको समझ में आ रही है दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए अभी हमें समझ में आ रही है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हमें इसमें चेक करना है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। तो उसको चेक कैसे करना है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे देखिएगा। पहला पोर्शन मान लेता हूं मैं, आपको मैं एक चीज कह दूं, जो आप है ना एक एक ही पॉइंट लेके चल रहे, मान लीजिए वो पी पॉइंट है, मान लीजिए आप कोई भी पॉइंट, यानी कि इन दोनों में इसको हम ऐसे लेते हैं स्मिथ, हमें अगर रिफ्लेक्सिव शो करना हो तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं, यानी कि चाहे ए लें चाहे बी लें, कुछ भी, चाहे ए ए लें चाहे बी बी लें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे हमने ले लिया ए, तो अब आपको क्या करना है, तो अब देखिएगा हम जैसे कि सिमेट्रिक में सॉरी रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो या तो ए लेते हैं या बी बी लेते हैं, इसमें पी पी ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान लेते हैं लेफ्ट है ये belongs to R, ये R से belong करता है, अगर R से belong करता है तो उसका मतलब क्या हुआ, जो P है ना, P का distance O से जितना OP है उतना ही दूसरा ये OP है, कहने का भाव ये है, जो दोनों पॉइंट है ना उनका डिस्टेंस, अब मान लीजिए मैं इस कैमरे से ना 5 मीटर दूर खड़ा हूं, मान लीजिए, तो अगर मैं इसी बात को, अब मैं अगर इस कैमरे से इतनी दूर खड़ा हूं, तो मैं अगर इसी बात को मैं ऐसे कहूं भाई मैं और कैमरे की, मेरे और कैमरे के बीच की 5 सेंटीमीटर दूर है, तो कोई फर्क तो नहीं है ना दोस्तों, इसी बात को देख के चलना है, तो ये हमारा जो ट्री हो गया, जो हमने माना इसका मतलब तो ये हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो गया
ये हो गया यानी कि ओपी बराबर ओपी। अब इसको अगर टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ओरिजिन, सॉरी क्या हूं फ्रॉम द ओरिजिन, पी लिख लेते हैं, पी ले लीजिए चाहे कर्व ले लीजिए, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द कर्व। अब इसी बात को मैं लिख देता हूं, दैट इज ट्रू बिकॉज ऑफ, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सम के लिए इज द सेम, इज सेम एज द डिस्टेंस, सेम एज द डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड, पॉइंट अपने पास क्या है दूसरा पी भी है, पी फ्रॉम ओरिजिन दोनों एक ही बात है, तो ये क्लियर शॉर्ट आउट है इसका मतलब, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर हो गया इतना। अब बढ़ते हैं हम जो हमें इसका सिमेट्रिक चेक करना है वो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो पूरी। तो दोस्तों अब हम इसके दूसरे पोर्शन यानी कि सिमेट्रिक को चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए मान लेते कोई आपके पास एक पॉइंट है क्या, लेट पी कॉमा क्या बिलोंग्स टू आर, ठीक है इतना बात समझ में आई ना आपको, तो इसी बात को मैं अगर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखूं, मान लीजिए ये ओरिजिनल है, ओ ओरिजिन पॉइंट है सॉरी, और ये आपके पास पी है और ये क्या है, अगर ये आर से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ओ पी है ना वो आर के बराबर है, ओ क्या के बराबर है, ठीक है। अगर इसी बात को मैं ऐसे कह दूं भाई जो ओ क्यू है वो ओ पी के बराबर, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बात तो एक ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं लिख देता हूं दैट इज, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, और इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी, सो जो इट मींस लिख देते हैं, इट मींस जो हमारा ओ सॉरी क्या और पी है ना वो भी बिलोंग्स टू आर करेगा, अगर ये बिलोंग्स करता है इसका बिल्कुल देखिए इनके टर्म की जो पोजीशन है वो चेंज है, इसका मतलब क्या, सो आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी था और रिफ्लेक्सिव भी। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, तो दोस्तों इसके तीसरे पार्ट यानी कि ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव को कैसे चेक करते हैं वो देखिएगा। अब ट्रांजिटिव को चेक करने की बात आती है तो आपको मानना पड़ेगा लेट पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है पहली कंडीशन ये, दूसरी क्या है, दूसरी मान लीजिए क्यू कोमा एस बिलोंग्स टू आर, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, जो ओ पी है यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस वो ओ क्यू के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ओ क्यू है वो ओ एस के बराबर है, दोनों इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, जो OP है ना वो आपका OS के बराबर है, ये मान लेते ओरिजिन है, ठीक है ये आपके कोई दो पॉइंट है P और क्यू, P और क्यू के आपस में ये रिलेशन होगी, तीसरा पॉइंट है कोई S। अब देखिएगा जो OP है ये O पॉइंट है, ओरिजिन है, OP है ये OS है और ये O क्यू है, अब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका PS है वो भी बिलोंग्स टू आर है, अगर ये आर से बिलोंग करता है इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी जो गिवन रिलेशन आर है, आर इज ट्रांजिटिव, तो हमारी रिलेशन क्या है, कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब बात आती है अपनी जो इसका सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है, भी आपको क्या करना है, शो दैट द सेट ऑफ द आर पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी डज नॉट इक्वल्स टू पी क्यू, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर दे चुका, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, पी कोई पॉइंट है जो कि सेट ए में है, पासिंग कर रहा है कोई ओ पॉइंट है जो ओरिजिन है एस सेंटर, अच्छा ये कोई सर्कल से पास कर रहा है जिसका सेंटर ओ है, और कोई क्या हुआ एक मान लेते कोई क्या हुआ एक अनदर पॉइंट है जो कि किसी प्लेन में बिलोंग्स कर रहा है, तो आप इसी चीज को कैसे कर सकते हो,
तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास कोई भी प्लेन है, मान लीजिए वो सर्कुलर प्लेन है, जो कोई भी प्लेन है प्लेन, तो प्लेन का जो सेंटर है वो है पी पासिंग पॉइंट है, और क्या कोई अनदर पॉइंट है जो कि प्लेन में आ रहा है, उसमें क्या कह रहा है, क्यू मूव्स इन प्लेन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू ओपी। अब बात क्या थी, इसका मतलब क्या, जो आपका पी और क्यू है वो बिलोंग्स टू आर करेगा, 100% करेगा, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ कि क्या हुआ कि दोनों पॉइंट है जो कि रिलेशन से बिलोंग करते हैं, अगर रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ओपी है वो आर के बराबर, ओ क्यू के बराबर है। अगर ये है तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्यू मूव्स इन ए सच, इन सच ए वे, एक ऐसी वे में क्या हुआ है वो मूव कर रहा है, दैट इट्स डिस्टेंस, दैट द डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी क्या फ्रॉम द ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से लेना अपने को, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से बात आ गई, अब ओरिजिन से क्या होगा, ओरिजिन से जो हमारा ओ है वो ऑलवेज सेम और इक्वल रहेगा, ओरिजिन ओ इज सेम एंड इक्वल, हमेशा सेम और इक्वल रहेगा किससे, टू ओपी, ओपी के हमेशा बराबर और इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यू लाइज सर्कल की रेडियस है, जो क्यू लाइज ऑन ए सर्कल विद रेडियस ओपी, अब मैं इसी को ड्रा करता हूं, देखिए अब आपके पास एक सर्कल बन गया जिसकी रेडियस है आपके पास ओपी, मान लेते ये आर रेडियस है, ठीक है, सर्कल सर्कुलर प्लेन की बात थी, तो मान लेते हैं ओपी है ना वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहने का मतलब चाहे वो ऐसे मूव करे, चाहे ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे, डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा सेम रहेगा, तो वो रेडियस के केस में होता है, तो इसका मतलब ओपी है वो रेडियस है। अगर ओपी रेडियस है तो क्या वो कहां पे लाई करेगा, क्या उस जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, क्या वो लाई होने सर्कल, एक सर्कल पे लाई करे, मान लीजिए वो यहाँ पे लाई करे, पे लाई करे, पर लाई करेगा, ठीक है। अब बात आती है अपनी, अब इसको चेक करना कैसे होगा, तो वो कैसे करेंगे, अब इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स, देखिएगा द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे चाहे कोई भी सेट रख लीजिए, मैं लिखता हूं इसको, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, अब देखिए वो जो सेट है आपका वो रिलेटेड टू पी है, इज द सर्कल, सर्कल के जो पॉइंट पी है उससे रिलेटेड है जिससे वो पासिंग करे, यानी कि सेंटर से, पासिंग फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से पासिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें पूछा गया था जो सेट है वो रिलेटेड है, यानी जिसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो सेट है वो रिलेटेड है। तो दोस्तों 11 सम कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं 12 सम की ओर, जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। तो दोस्तों तो हमारा 12 सम है, उसकी स्टेटमेंट आपको गिवन है कि जो आपके पास आर रिलेशन है वो दे रखी आपको T1 T2 यानी कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड A है जो कि आपके पास सेट ऑफ ट्रायंगल्स है और आर है वो बिलोंग करता है A से फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। अब आपको करना क्या, इसको पहले तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, शो करने के लिए क्या करेंगे वो देखिएगा। पहली बात आती है रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव में लेट कर लेता हूं मैं T1, T1 belongs to R। अब एक बात कहिएगा, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, दोनों T1 है, तो एक ट्रायंगल खुद से तो सिमिलर होगा ही, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, मैं खुद से सिमिलर हूं, तो ये बात सही है, इसका मतलब ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, that is true, T1 is या triangle लिखना क्योंकि हमें triangle दी हुआ है, set of triangle is similar to itself, खुद से तो triangle similar होगा ही, अब similar है तो इसका मतलब क्या हुआ, R हमारा reflexive है।
अगर आर रिफ्लेक्सिव तो बात आती है सिमेट्री की, सिमेट्री भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्री के लिए आप लोग क्या मान रहे हैं, T1 belongs to T2, belongs to R है। अब देखिएगा जो T1 है ना वो सिमिलर है किससे, सिमिलर टू ट्रायंगल T2। अब इसी बात को मैं आपको लैंग्वेज में लिख देता हूं, लैंग्वेज में देखिएगा, ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2। अब इसी बात को मैं ऐसे कह दूं, ट्रायंगल T2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T1। तो T1 से सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल T2, T1 बिलोंग्स टू R। अगर ये R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज सिमेट्रिक, R की हमारी सिमेट्रिक। तो बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की ओर, तो बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की ओर। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है वो देख लीजिएगा। लेट कीजिए आप T1 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायंगल T1 है T1 इज सिमिलर टू T2। ध्यान से देखना है, सिमिलर टू T2। अब देखिएगा, अब दूसरा अनुमान है T2 एंड T3 बिलोंग्स टू R। अगर ये भी R से बिलोंग करता है जिसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T3, सिमिलर टू T3। अब देखिएगा T1 T2 से सिमिलर और T2 T3 से सिमिलर है, इसका मतलब क्या, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट T1 इज आल्सो सिमिलर टू T3। ये भी T3 से सिमिलर होगा, इसका मतलब T1, T3 बिलोंग्स टू R से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या, R इज ट्रांजिटिव, R अगर ट्रांजिटिव है तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो शो होगी, अब बात आती है हमारी जो हमें शो आगे और करना है, तो आगे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों होगा आपको क्या दिया हुआ, आगे मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं, विद साइड, अब आपको साइड दे रखी है, कंसीडर अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विद T1 विद साइड 3, 4, 5 एंड T2 विद साइड 5, 12, 13 एंड T3 विद साइड 6, 8, 10, विच ट्रायंगल इज अमंग इज रिलेटेड टू ईच अदर एज अ सेट। अब हमें सेट के अनुसार आपको कंपेयर करना है कि कौन सा सेट है दूसरे से रिलेटेड है। अब आपको T1 दे रखा है, T1 जो ट्रायंगल है उसका आपको साइड ऐसे दे रखा है 3, 3 है और 4, 5, 3, 4, 5, ये उसकी साइड है। अब बात आती है T2 की, T2 आपको दे रखा है 5, 12, 13 और T3 आपको दे रखा है 6, 8, 10, ठीक है। अब हमें ये देखना है रिलेटेड कौन सा है, रिलेटेड का मतलब क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है ये मैं कहता हूं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, सिमिलर होंगे तो इसके जो प्रोपोर्शनल रेशियो है, यानी कि ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, इसका मतलब क्या होता है, AD by DB इक्वल्स टू किसके होंगे, CE upon EB इक्वल्स टू किसके होंगे, AC upon DE, ठीक है। तो यानी कि साइड जो उनके प्रोपोर्शनल रेशियो है वो इक्वल होते हैं। अब देखिए प्रोपोर्शनल रेशियो किसके बराबर होते हैं, 3 और 5, 4, 12, 9, तो हमारा T1 और T3 आपस में रिलेटेड है, तो क्या लिखेंगे, 10 T1 and T3 ट्रायंगल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो दोस्तों जो हमारा 13th sum है, 13th sum की मैं एक बार स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूं, तो 13th sum की स्टेटमेंट देखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है 13th और 14th, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि जो 13th और 14th है वो आप सम खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपको उसकी ओनली हिंट दे दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 13th 14th sum है वो बहुत ईजी सम है, जो कि वैसे कॉम्पिटेटिव जो भी आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे मंथली एग्जाम हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें ये नहीं आएंगे 100%, चाहे मेरे से लिखवा लो चाहे कुछ भी कर लो, 13th 14th sum आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो बात रही जो 15th 16th यानी कि ऑप्शनल सम का कोई गारंटी नहीं है, 13th 14th sum की मैं हिंट दे देता हूं आपको। तो 13th और 14th sum की हिंट क्या है कि आपको एक पॉलीगन्स दे रखे हैं,
उसकी सेम साइड नंबर है। अगर साइड के सेम नंबर है तो देखिए आपको, लेकिन आपको वो बोलना जिनके साइड ऑफ नंबर सेम है। देखिएगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा, चेक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं तो 14th सम में लाइन देखिए, लाइन पैरेलल टू ईच अदर, एक एस में पैरेलल है एक में परपेंडिकुलर, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपसे नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको रिव्यू दे सकूं या इन दोनों सम के लिए स्पेशल वीडियो बना लूं। तो अब हम बढ़ते हैं 15th सम की ओर। 15th सम की स्टेटमेंट देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जो हमारा 15th सम है उसकी स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है वो देखिएगा। कोई आपको सेट देता है उसको मैंने मान लिया ए है, यानी 1 2 3 4 आपको काउंटिंग देती है और आपको आर एस एन देखिए जो कुछ इस प्रकार है। अब कहता है आपको चूज द करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। अब देखिएगा ध्यान से सुनना आपको। पहली बात तो ये, यहाँ पे हमारे सेट कॉम्पोनेंट कितने 4। देखिएगा 4 का रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ये रहा 1 1 या 3 3 4 4 2 2, यानी कि ये चार थे, चारों की सेट कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो दोस्तों ये देखिएगा जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि आप जूम इन करके देख सके आसानी से, देखिएगा ध्यान दिखाई दे रहा हो आपको। तो दोस्तों अब ऑप्शन चेक आउट कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव तो ये है, अब रिफ्लेक्सिव पहले दो ही कंडीशन में, या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। अब या तो ए ऑप्शन आएगा या बी ऑप्शन आएगा, यानी कि अब हम सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चाहिए, 1 2 है तो 2 1 है आपके पास, देखिएगा 1 2 है तो आपके पास 2 1 है नहीं ना, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है ही, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, दूसरा ऑप्शन। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है बाकी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव आप चेक कर लीजिएगा, जो सिमेट्रिक था सिमेट्रिक की कंडीशन एक ऑप्शन में फॉलो हो रही है, तो हम ये ऑप्शन बिना आंख बंद करके लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम 16th सम की ओर। दोस्तों हम 16th सम की ओर बढ़ते, 16th सम की स्टेटमेंट है, लेट आर द रिलेशन इन द सेट ऑफ एन, यानी कि नेचुरल नंबर है और आपको आर रिलेशन कुछ इस प्रकार गिवन है। अब चूज द करेक्ट आंसर, अब आप हमको ऑप्शन दिखाने की कोशिश करो, देखिएगा ऑप्शन दिखाई दे रहेगा आपको, ऑप्शन देख लीजिएगा आपको दिखा, ये क्वेश्चन आपका 16, ध्यान से देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अब देखिएगा जो ऑप्शन है आपको, अब आपको ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ए पहली बात तो ये जो बी है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, क्लियर। बी 6 से बड़ा हो तो बी 6 से बड़ा किस कंडीशन में है, पहले ये देखिए, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, यानी कि 3 एक कंडीशन तो अपनी अनसेटिस्फाई होगी, बची 3। अब 3 कंडीशन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों तो अब हमें ये सेटिस्फाई कंडीशन पहले में नहीं हुई, यानी पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट, बात आती है लास्ट 3 की। अब लास्ट 3 में क्या होना चाहिए, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब एक ऑप्शन की रख के देख लो, जैसे कि आपके पास दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 3 और 8, यानी कि A3 और B8, 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है। पहली बात ये 6 कभी इक्वल होता है 3 के नहीं ना, तो ये इम्पॉसिबल, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, बी भी आपका गलत। बात बढ़ते हैं सी की ओर। अब सी के आपको सी दे रखा है 6 8 6 8 का मतलब क्या है, यहाँ पर A6 और B 8 - 2, यानी कि 6 = 6। ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है, ये कंडीशन सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले कहूंगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिखाई दे रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।